हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। आप सबका आपके अपने चैनल फिजिक्स गुरु में स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था क्या, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। अब हम उसी टॉपिक के कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, तो कॉपी पेन उठाइए और हो जाइए शुरू। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए बेटा, ध्यान से देखिए। हमने क्या किया कि कोइल, ये रेली कॉइल, ठीक है, इस कोइल के हमने ये दो सेंटर से, बिल्कुल सेंटर से ऐसे देखो इस तरीके से, ठीक है, ये बहुत दूर तक है, और हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये लगा दी एक बैटरी, ठीक है, और करंट कैरी कर रही है, आई करंट कैरी कर रही है, ठीक है। अभी करंट क्या, ऐसे ये एंगल लिया थीटा, इसकी रेडियस ले लो, कुछ भी ले लो, आर ले ली हमने इसकी रेडियस, इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, तो इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना है, एस और ये लिखो आर, कैपिटल आर इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या फाइंड करना है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। इस कॉइल के सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो भाई देखने देखना क्या पड़ेगा, अब ऐसे तो बता नहीं सकते, अब ये बड़ी है कॉइल तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा आएगा, ये छोटी है तो मैग्नेटिक फील्ड कम आएगा, बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन वो तब वैलिड होगा कब, जब करंट दोनों में सेम हो, तब तो बता सकते हैं इसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। लेकिन भाई अपने को एक बात तो बहुत अच्छे से पता है, क्या, B equal to mu not I upon 4 pi r, ये होता है किसके लिए, कि कंप्लीट और इसे थीटा और लगा देता हूं, चलो ठीक है, mu 0 upon 4 pi r कंप्लीट रिंग का, और अगर थीटा एंगल पे कहीं पे हो तो ये थीटा के ऊपर इसका आ गया, अगर थीटा ऊपर वाले का निकालेंगे तो इसका आ जाएगा, लेकिन इसमें आई पे भी तो डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड, करता नहीं करता, हाँ बिल्कुल करता है, इस वजह से दोनों में करंट सेम नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस होगा R1 और इसका मान लेते हैं R2, तो इसका एंगल लिया थीटा, तो ये कितना बच गया 2 पाई माइनस थीटा, समझ में आ गया, ये एंगल हो गया थीटा और ये कितना हो गया 2 पाई माइनस थीटा। चलो अब समस्या एक और है, इसमें करंट I1 चला गया और इसमें करंट मान लेते हैं I2 चला गया, अब I1 I2 कितना गया, ठीक है, I1 I2 अलग अलग गया नहीं गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, तो ये देखो करंट किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां आएगा, आउटवर्ड, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां आएगा, इनवर्ड, तो पहले निकाल लो I1, I1 की वजह से निकाल लेते हैं, तो कितना आया देखो ध्यान से, तो B1 is equal to mu not I1 upon 4 pi r और एंगल थीटा, ये हमें पता है, क्यों पता है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में अपन ने इसका फॉर्मूला ड्राइव किया था, बिल्कुल किया था, नहीं किया याद है सबको, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल आउटवर्ड, दो ये डायरेक्शन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समझ में आया, चलो अब देखो दूसरे में मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से निकालना पड़ेगा, क्या निकालेंगे, V2 की वैल्यू भाई कितने हो गए, म्यू नॉट करंट कितना I2 4 पाई r और थीटा की वैल्यू, अभी थीटा देखो यहां से लेके थीटा यहां तक आ गया, तो कितना है थीटा 2 पाई माइनस थीटा, तो लिख दीजिए 2 पाई माइनस थीटा, ये मैग्नेटिक फील्ड V2 हो गया। अब इसकी डायरेक्शन कितनी होगी, इनवर्ड, क्यों, कर्वेचर फिंगर करंट को रिप्रेजेंट करे, थंब कहां पर है, इनवर्ड, इसकी वजह से इनवर्ड आएगी, तो इनवर्ड का क्या है सिंबल, क्लोज इक्वेशन नंबर 2 आगे सामने, चलो फर्स्ट और सेकंड से भाई बात बताओ, एक आउटवर्ड है एक इनवर्ड है, तो अपन दोनों में पुट कर देंगे, तो अपन ने V1 को अगर पॉजिटिव ले तो V2 को नेगेटिव ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो V1 V2 की वैल्यू देखो, एक को पॉजिटिव को नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्यों, बिकॉज़ द मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, नेट P की वैल्यू कितनी आई बेटा देखो ध्यान से, म्यू 0 I1 / 4 पाई r थीटा माइनस mu 0 I2 upon 4 pi r 2 pi minus theta, समझ में आ गया सबको, ठीक है, common ले लो, b equal to mu 0 common आ गया, 4 pi r common आ गया,
अंदर क्या बच गया, आई वन थीटा माइनस आई टू टू पाई माइनस थीटा, ये बच गया नहीं बच गया, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब दिक्कत ये है कि आई वन थीटा की वैल्यू क्या होगी और आई टू टू पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो इसके लिए कुछ एक और जुगाड़ करना पड़ेगा। क्या करते हैं जुगाड़, तो ये देखो इसका रेजिस्टेंस हमने माना था आर टू, इसका रेजिस्टेंस कितना माना था आर वन, तो देखिए ध्यान से मैं बना देता हूँ, क्या ये नेटवर्क बन गया कि नहीं बन गया, ये सर्किट डायग्राम बना आर वन आर टू, करंट टोटल हमने पहले से बताया था कि इसमें करंट तो आई है तो करंट गया था आई, अब इसमें आर वन आर टू रेजिस्टेंस नीचे वाला सॉरी नीचे वाला आर वन था ऊपर वाला आर टू था, ठीक है आई वन, अब देखो इसमें आई बन गया तो इसमें कितना गया आई। एक बार बताइए क्या इसमें दोनों में करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा था कि दोनों का पोटेंशियल हमने हमें पता है कि क्या है सेम है, तो इसका कितना आया पोटेंशियल I2 R2 I1 R1 के बराबर हो गया, तो हम कर सकते हैं I1 R1 is equal to I2 R2, हो गया कि नहीं हो गया। अब ये वायर है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और लेंथ L है, हमें ये पता है इस बात का, तो लेंथ अब देखो इसकी लेंथ मैं मान लेता हूँ ये R है बेटा, यहाँ से लेके आना एल वन मान लेता हूँ, ये आई वन है देखो ये आई वन है और ये एल वन है, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या मान लेता हूँ मैं एल टू मान लेता हूँ, समझ गया। तो एरिया क्रॉस सेक्शन कितना बताया मैंने, ए इसका एरिया क्रॉस सेक्शन है यूनिफॉर्म वायर है तो दोनों का क्रॉस सेक्शन तो बराबर ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो चलो कर लेते हैं। तो हमें पता है आई वन रो एल वन अपॉन ए इक्वल टू आई टू रो एल टू अपॉन ए, रो ए रो ए से उड़ा दो क्या बच गया भाई नया बच गया आई वन एल वन, से आई वन एल वन इक्वल टू आई टू एल, आई टू और एल, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया सबको। अब मेरी बात सुनिए, अब यहां से देखिए एल वन की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, चलो इसको मैं मान लेता हूँ, तो ये एक ऐसा डिजाइन है बिल्कुल है, ये ऐसे था ये इस तरीके से था, तो ये रेडियस है आर, ठीक है ये एंगल थीटा है और इसको मैंने कितना माना है एल वन, तो अपने को पता है आर का कोण रेडियस इक्वल टू क्या होता है थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू आर आर एल वन अपॉन आर, तो एल वन की वैल्यू कितनी आई बेटा आर थीटा, इसीलिए सिमिलरली एल टू की वैल्यू कितनी आएगी आर टू पाई माइनस थीटा, सिमिलरली क्यों क्योंकि देखो इसकी आर कितनी है यहां से लेके यहां तक आर है तो एल टू हो जाएगी, तो एल टू अपॉन आर इक्वल टू टू पाई माइनस थीटा, तो एल टू की वैल्यू कितनी आएगी आर टू पाई माइनस थीटा आ जाएगी, तो हमने एल वन एल टू की वैल्यू निकाल ली, तो इसको इक्वेशन कितनी मान लेते हैं इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर थर्ड, ये इक्वेशन दे देते हैं फोर्थ, और ये हो जाएंगे इक्वेशन नंबर, ये दोनों एल वन एल टू की वैल्यू फोर में पुट कर देते हैं भाई, तो ये कितनी आएगी I1 L1 की वैल्यू R थीटा इक्वल टू I2 L2 की वैल्यू R2 by 9 थीटा, ठीक है भाई R से R उड़ा दो उड़ा दिया कितना बच गया I1 थीटा इक्वल टू I2 2 पाई माइनस थीटा के बराबर आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। अब एक चीज देखिए यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग है, देखो यहां से इक्वेशन नंबर फिफ्थ, अब इक्वेशन फिफ्थ ये I1 थीटा I2 2 पाई माइनस थीटा बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल है भाई, तो अगर ये दोनों बराबर है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है रे जीरो, तो B की वैल्यू कितनी आएगी जीरो, मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा जीरो। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज कभी भी सुन लीजिए ध्यान से, अपना दिमाग खोलिए और अच्छे से सुनिए, क्या सुनना है तुम्हें, एक चीज क्या सुननी है बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है बेटा, अगर कभी भी एक वायर की कोई यूनिफॉर्म वायर हो उसमें रेजिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है एक ही वायर हो और उसका कोई सर्कल बना दिया और उसे किसी भी एंड पे किसी भी दो एंड पे तो ये अल्फा बीटा कुछ भी हो ये एंगल कुछ भी हो किसी भी दो एंड पे अपन ने किसी वायर को और आई करंट उसमें जा रहा है तो उसके सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ही जीरो होगा, याद हो गया इसे सुनो, अगर कोई आई करंट जा रहा है तो ये चाहे यहां कनेक्ट हो तुम्हारी मर्जी है किसी भी दो एंड पे कनेक्ट कर लो उसका नेट मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ही जीरो होगा, आया समझ में आ गया सबको, चलो उतारिए फटाफट से, वेरी गुड, जल्दी करो।
खाली नोट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं। देखे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ये वायर ऐसे क्वेश्चन रहता है, ये देखा देखो इधर इसमें करंट जा रहा आई एंटर कर रहा ये, ठीक है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी सी और ये बी पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या दे रखा बेटा कि भाई द रेजिस्टेंस ऑफ ए डी सी इज ट्वाइस द रेजिस्टेंस ऑफ ए बी सी, क्या बोला मैंने, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए डी सी इज ट्वाइस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए बी सी, है ना। तो कभी ये मत सोचना, ताकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि तुमने बताया सर आपने बताया था कि इसका मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो होगा, क्यों होगा, ये आपने बताया किसी भी दो एंड पे जोड़ा नहीं और अगर करंट आई जा रहा है तो जीरो होगा, मैंने बताया था वायर यूनिफॉर्म हो, मैंने ये नहीं बताया था कि इसका रेजिस्टेंस अलग अलग हो, तो जीरो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब इसके अंदर मान लो करंट आई बन गया, इसमें करंट चला गया आई टू, ठीक है भाई, इसका रेजिस्टेंस मान लो आर वन है, इसका रेजिस्टेंस मान लो आर टू, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक बात बताओ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस आर वन मींस इसमें क्या बोला है, रेजिस्टेंस ए डी सी इज ट्वाइस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए बी सी, तो ए डी सी कितना है आर टू इज इक्वल टू टू आर वन, क्वेश्चन में दे रखा है, नहीं दे रखा, ये तो पता है आपने, क्वेश्चन में पता है आगे आर टू इज इक्वल टू टू आर वन, क्वेश्चन में ये बताया है रेजिस्टेंस ऑफ ए डी सी इज ट्वाइस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए बी सी, ठीक है, ADC की वैल्यू R2, तो ये ट्वाइस ऑफ आर वन होगी कि नहीं होगी, चलो ठीक है। अब क्या करें, I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू कितनी होगी, तो इसका रेजिस्टेंस बेसिकली कितना है बेटा 2R है, तो इसका कितना है R, इसका R है तो इसका 2R है, समझ में आया क्या। अब 2R रेजिस्टेंस तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्री से, अगर इसमें रेजिस्टेंस डबल है तो करंट इसका हाफ हो जाएगा, करंट हो जाता नहीं रहता, तो इसके अंदर कितने हिस्से हुए, तीन हिस्से हुए, तो इसमें करंट कितना गया, डबल रेजिस्टेंस है तो इसमें करंट की वैल्यू कितनी होगी, 1 बाई 3 आई आएगा कि आई बाई 3 आएगा कि नहीं आएगा, करंट बिल्कुल आएगा, और इसमें करंट कितना आएगा 2 बाई 3 आई, ये तुम्हें सिमेट्री से पता होगा कि नहीं पता होगा, सबको पता होगा, पोटेंशियल बराबर लेके फिर इसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं सिमेट्री से करंट की फॉर्म में, ताकि I2 इक्वल टू I बाई 3 और 2 बाई 3 I बाई 2 बाई 3 I, ठीक है, ये वैल्यू होगी कि नहीं होगी, चलो ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं O पे, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, B1 is equal to mu 0 I1 upon कितना होगा बताओ, कितना होगा 4R, क्यों, इसकी रेडियस मान लो स्मॉल r है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 4R, ये अपने को पता है हाफ रिंग का इतना मैग्नेटिक फील्ड होता है, और इसकी डायरेक्शन कितनी होगी आउटवर्ड, होगी कि नहीं होगी, सबको समझ में आ गया। B2 की वैल्यू कितनी आई, mu 0 I2 upon 4R होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, इसकी भी हाफ रिंग है बिल्कुल, और इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी इनवर्ड, ये हो गया इनवर्ड, ठीक है। नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, B इज इक्वल टू B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर, वेक्टर सम होता है वैसे तो इसका, वेक्टर सम बोल सकते हो, या इसको ये लिख सकते हैं डायरेक्ट लिखेंगे तो ये लिख दो, अब B1 माइनस B2, B1 माइनस B2, एक इनवर्ड है एक आउटवर्ड है, ये आउटवर्ड ये इनवर्ड, एक पॉजिटिव को नेगेटिव लेना पड़ेगा, इसकी वैल्यू लिख दो b is equal to mu 0 i1 upon 4r minus mu 0 i2 upon 4r, ये वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, b इसमें कॉमन क्या ले भाई, mu 0 upon 4r कॉमन ले लेते हैं, i1 minus i2, i1 और i2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या वैल्यू आई i1 और i2 की, i1 is equal to 2 by 3 i है और i2 is equal to i by 3 है, तो b is equal to mu 0 upon 4r I1 2 by 3 I minus 1 by 3 I, ये वैल्यू होगी, तो इसमें कितना बच गया बताओ जल्दी से, कितना कॉमन आ गया 1 by 3 I कॉमन ले ले इसमें बाहर, तो इसमें कितना होगा B equal to mu 0 I upon 4 into 4 R और 2 minus and 3 LCM 2 minus 1 1 बच गया कि बच गया, तो इसमें डायरेक्ट लिख दूं 4 into 3 into R हो गया कि नहीं हो गया, और B equal to लिख सकते हैं mu 0 I upon 12R, और इसकी डायरेक्शन ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो
पॉजिटिव किसको माना था, बी वन को, तो बी वन की डायरेक्शन क्या थी, आउटवर्ड, तो इसका रिजल्ट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B इक्वल टू म्यू जीरो आई अपॉन 12 आर, और ये हो जाएगा आउटवर्ड। अच्छे से समझ आ गया, कुछ नहीं किया, बस इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्री से करते थे, तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से और यहाँ से I1 I2 की वैल्यू निकाल लेंगे, और I1 I2 की वैल्यू निकालने के बाद सिर्फ वो सिंपल हाफ रिंग वाला जो फॉर्मूला था उसके अंदर पुट करो और आंसर आ जाएगा। समझ में आया, आ गया समझ में, उतारिए फटाफट से जल्दी नोट किए, वेरी गुड। कर लिया नोट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलो देखिए भाई, अब की बार एक डिस्क, ये बीच में कटी हुई है, ठीक है, ये इसकी थिकनेस इस तरीके, इसकी रेडियस इनर की है तो ये तो है a और आउटर की रेडियस है b, ठीक है भाई, और इसमें से करंट जा रहा है पूरी में से ऐसे, इस तरीके से ऐसे करंट, ठीक है, ये करंट होगा। अब भाई अपने को क्या पूछा गया है, अपने को इसमें पूरे में करंट कितना जा रहा है, i करंट जा रहा है, कितना जा रहा है भाई, i करंट फ्लो कर रहा है। आपने से पूछा है कि इसकी वजह से इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कोई बात नहीं, छोटा सा एक एलिमेंट कट करो, देखो इधर एक छोटी सी डिस्क निकालो, इसमें जिसकी थिकनेस कितनी हो, जिसकी थिकनेस होनी चाहिए dx, कोई दिक्कत नहीं, ये लो, ठीक है, ये मैं बता, ठीक है भाई। अब देखो ये इसकी रेडियस मान लो x, इसकी रेडियस कितनी मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है, छोटी सी स्क्वायर है, इसकी कितनी मान x, तो इसमें करंट अलग होगा क्योंकि पूरे में करंट i था, पूरे में करंट कितना था i, तो इसमें करंट कितना मान लेता हूं मैं, इसकी थिकनेस तो है dx और इसमें करंट कितना है i डैश, करंट की वैल्यू कितनी हो गई i डैश, इसकी करंट की वैल्यू हो गई, कोई दिक्कत नहीं, चलो कर देते हैं, कैसे करें, अब सबसे पहले तो i डैश की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देखो इसकी पूरे की थिकनेस कितनी थी, तो करंट पर यूनिट लेंथ कितना आएगा, ये b माइनस a, देखो यहां से लेके यहां तक तो b है, यहां से लेके यहां तक a है, तो कितना आ गया b माइनस a, तो i डैश की वैल्यू कितनी आ गई भाई, i अपॉन b माइनस a, और थिकनेस कितनी है इसकी dx, ये dx, क्या ये करंट आ गया कि नहीं आ गया बताओ, आ गया करंट, i डैश की वैल्यू आ गई, अब हो गए, अब देखो कैसे कैसे हो गया, b इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश अपॉन कंप्लीट रिंग का, एक छोटी सी रिंग ही तो बन गई है, अब छोटी सी रिंग का कितना होता है 4, कितना, ओनली सॉरी 2x, 2x 4 म्यू जीरो आई अपॉन 2a होता था, तो इसके अंदर यहां से लेके रेडियस कितनी है इसकी रिंग की, ये यहां से लेके x, देखो देखो ये देखो x, ठीक है, तो म्यू जीरो आई डैश अपॉन 2x, कोई बात नहीं, ठीक है, अब आई डैश की वैल्यू पुट करनी है, अपना काम ये है, ये कितना आएगा, ये dp आएगा बेटा, सॉरी ये वैल्यू कितनी आएगी इसकी, स्मॉल है तो dp आएगा, तो dp की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू 0 आई डैश की वैल्यू कितनी है, i / b - a, i / 2 b - a * कितना था x और * dx, ये हो गया dx, ये dp की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, आपने क्या चाहिए, आपने तो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कर देते हैं, तो इंटीग्रेट dp इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू 0 i 2 b माइनस a x dx, लिमिट कहां से कहां, यहां से शुरू हुआ और यहां पे, मतलब यहां से शुरू हुआ और यहां पे खत्म हुआ, a से लेके b तक कहां चला, a कहां तक गया, b, कोई बात नहीं, dp का इंटीग्रेशन आ गया b, इसका कितना आया म्यू 0 i ले आओ बाहर 2 b माइनस a, अंदर बच गया कौन सा a b और 1 अपॉन x dx, क्या बचा कि नहीं बचा, समझ में आ गया, अब तो छोटा सा बच गया, 1 अपॉन x इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, अबे log x, ठीक है, ln x लिख सकते हैं, so b = μ0 i
अपॉन टू बी माइनस ए और एक्स, ठीक है, और लिमिट ए टू बी हो गया कि नहीं हो गया, जैसे हम लिख सकते हो b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन टू बी माइनस ए एल एन बी माइनस एल एन ए, और ये तुम्हें पता है log a log b माइनस log a log b अपॉन ए हो जाएगा कि नहीं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या है मैंने, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी b इक्वल टू म्यू जीरो आई अपॉन टू बी माइनस ए और क्या बच गया एल एन बी अपॉन ए। अब बच गया डायरेक्शन, डायरेक्शन तो छोटा सा काम है, डायरेक्शन क्लॉकवाइज कर्वेचर ऑफ फिंगर राइट हैंड थंब रूल को याद कीजिए और अप्लाई कीजिए, डायरेक्शन इनवर्ड बस हो गया इनवर्ड, लो बात खत्म, ये हमारा क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से, कीजिए नोट, चलो कीजिए फटाफट से, कर लिया नोट, देखिए ध्यान से। अब जी 2011 के अंदर इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया था, सेम यही क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको घुमा के पूछा गया, क्या घुमा के पूछा गया ध्यान से सुनो, इसके अंदर देखो ये क्वेश्चन है, इसमें सेम आंसर वगैरह सब सेम है, कोई चेंज नहीं है, बस इसको थोड़ा सा क्या चेंज कर दिया, उसमें इस क्वेश्चन को अपन उसमें दे दिया कैसे, बाकी सेम है, डिटो है, देखो ध्यान से उसमें ये दे दिया, अभी भाई ठीक है एक ऐसे गया, ठीक है भाई देखिए ध्यान से, इसके अंदर बोल दिया कि एक बैटरी के, चलो एक बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल यहां से कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव यहां से कनेक्ट कर दिया, बोलो पॉजिटिव यहां कनेक्ट, नेगेटिव यहां कनेक्ट कर दिया, क्या करेगा करंट जाएगा घूम घूम गोल चक्री में घूमता जाएगा ऐसे, ठीक है, अब ये गोल चक्र घूमता गया घूमता गया घूमता गया घूमता गया घूमता गया घूमता गया, अब बिल्कुल पास पास है, ये मैंने थोड़ा दूर दूर बिल्कुल पास पास है, अब एक जैसे धागा ले लिया ऐसे ऐसे कर दिया ऐसे लपेटा हुआ है, ठीक है इंसुलेटेड है लेकिन एक दूसरे क्या है इंसुलेटेड, ठीक है बिल्कुल पास पास, अबे इसमें इसमें क्या फर्क है कुछ तो नहीं है, अबे बिल्कुल पास पास है तो इसके अंदर क्या मान लें बोल दें सेम टू सेम कोई कहानी होगी इसके अंदर, क्या क्या यही बन गई नहीं बन गई, ध्यान से देखें तो यही तो है, इसमें भी तो छोटे छोटे ऐसे करंट एलिमेंट ऐसे जा रहे हैं, अब ये छोटा सा लिया था अपने ऐसे करके गए थे इसमें करंट, तो इसमें भी क्या करें एक छोटी सी डिस्क मान लो ये मान ली ये ले लो कुछ नहीं करना, तो बस इसके अंदर ये लो ऐसे बोल दिया ले लिया, ये dx ले लो कोई, इसके मान लो यहां से लेके यहां तक a है, यहां से लेके यहां तक b है, सेम क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया, क्या करना है इसके अंदर i डैश की वैल्यू निकालनी है और जितना जैसे डेरिवेशन लास्ट सबने किया है एज इट इज कर दिया और आंसर ही नहीं आएगा, ये 2011 में आया जी, ये डब समझ में आ गया 2011 ये क्वेश्चन है, ये और ये दोनों क्वेश्चन सेम, ठीक है समझ आ गया नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अब कुछ क्वेश्चन 3D के करते हैं, इसी के अंदर कुछ क्वेश्चन 3D के करते हैं, तो 3D के क्वेश्चन देखो ध्यान से, इधर अपन क्या करते हैं कि एक कॉइल भी लेते हैं कंडक्टर स्टेट कंडक्टर भी लेते हैं, ठीक है अब कैसे है देखिए देखिए ध्यान से, चलो ये बना लेते हैं 3D देखिए ध्यान से, ठीक है इसको थोड़ा सा ऐसे लिटा दो हो गया एक्सिस देने के लिए, ये सारे काम एक्सिस दिखाने के लिए क्या है 3D में, ठीक है वैसे समझ में नहीं आएगा तो ऐसे क्वेश्चन मिले जो हमेशा एग्जाम में इसी तरीके से मिलेगा क्वेश्चन, ये दे रखा भाई जेड एक्सिस, ये दे दो वाई एक्सिस और ये वाली एक्सिस है बेटा एक्स एक्सिस, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस हमने दे दी कोई दिक्कत नहीं, अब एक वायर लिटा दो, ये लिटा दिए वायर, ये वायर ये है ध्यान देखना मैं जो डायरेक्ट पे जो रिप्रेजेंट किया है मैंने वो वायर है और ये ऐसे करके और ये वायर ऐसे मिले, ठीक है और ये क्वेश्चन है सीबीएसई 2015 पीएमटी के अंदर आया और सीबीएसई पीएमटी 2015 में आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है सीबीएसई पीएमटी 2015 के अंदर देखिए ध्यान से,
छोटा सा क्वेश्चन, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखो भाई, सोचो 3D का क्वेश्चन, बड़ा क्या हो गया, कुछ हो गया, कुछ नहीं होने वाला। देखो ध्यान से, ये रेडियस है बेटा आर, इसकी इस जो ये हाफ रिंग है इसकी रेडियस आर। अभी कैसे रखा हुआ, देखो ऐसे करके, ये तो ऐसे, एक तो ऐसे और एक इस तरीके से ऐसे रखे। तो इसमें अपन बोल दे ये वायर है ऐसे करके, इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे रखा हुआ है, समझ में आ गया। ये एक्चुअल में एक्स एक्सिस ये है, ये एक्स एक्सिस ये वाला, ये पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये वाई एक्सिस और ये क्या हो गया जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। अब क्या करना है अपने, वो छोटा सा क्वेश्चन आई, ये करंट आई गया और वापस आ गया आई, कोई दिक्कत नहीं है। इसको वेक्टर से करो, इसको कैसे करो, वेक्टर से कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले सिचुएशन हमने बनानी सीख रखी है, एक दो और तीन, तीन सिचुएशन बनाई। तो बी वन बी टू बी थ्री, तीन मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएंगे। तो पहले से देखो, अब ये ऐसे आ रहा है, ऐसे करंट कैसे ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे, देखो ये ओ पे, यहां से हमने मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे, ओ पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। अब देखो ऐसे करंट आ रहा है ऐसे, तो राइट हैंड डबल इस पॉइंट पे, इसमें ये जेड एक्सिस, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां गया, नेगेटिव ऑफ जेड एक्सिस है ना। देखो इधर ये भाई, देखो ये ऐसे, ये एक्चुअली तो रिप्रेजेंट 3D है, बोर्ड पे रिप्रेजेंट, प्लेन पे रिप्रेजेंट, 3D का मतलब ऐसे है इसमें, ये इस तरीके से है और ये करंट इधर गया, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ गया, देखो ऐसे, ये वायर भी तो है ऐसे नीचे गया, इस पॉइंट पे ऐसे गया, इसकी वजह से इस तरीके से अंदर। अब देखो एक्स एक्सिस तो इधर था और नेगेटिव एक्स एक्सिस का है अंदर, इसकी वजह से नेगेटिव फील्ड कहां गया, नेगेटिव एक्स एक्सिस। चलो इसके डायरेक्शन और देख लेते हैं, इसकी डायरेक्शन कहां आई, अब देखो इधर ऐसे वापस गया, अब इसके इधर देखो यहां देख लेते हैं, देखो वापस गया इधर, चलो इसकी वैल्यू कितनी होगी, नेगेटिव ऑफ, तो इसके वो इधर सॉरी नीचे फिंगर कहां लाई नीचे, तो इसे नेगेटिव ऑफ जेड एक्सिस, इस और इन दोनों की वजह से तो नेगेटिव जेड एक्सिस आएगा और इसकी वजह से कितना आएगा, नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस आएगा, भी नहीं आएगा, हो जाए शुरू। चलो पहली सिचुएशन b1, b1 इक्वल टू म्यू जीरो आई अपॉन, अब ये डिस्टेंस इनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब वन एंड पे, अब देखो ये कंडक्टर कैसे होगा, ये कंडक्टर है, अब ये तो हो गया वन एंड के ऊपर और ये इनफाइनाइट वायर है, तो इसमें लॉन्ग वायर ये है, इसके वन एंड पे अपने को पता है बहुत अच्छे से 4πr होता है, पता है कि पता, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, डायरेक्शन नेगेटिव ऑफ जेड एक्सिस, तो माइनस जेड एक्सिस डायरेक्शन रिप्रेजेंट, समझ गया। चलो v2 के वैल्यू, v2 क्या करेगा, v2 ये कॉइल है xz yz प्लेन के अंदर है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहां गया अंदर, तो x एक्सिस किधर था अंदर, नेगेटिव ऑफ x एक्सिस, तो सिमिलरली म्यू 0 i अपॉन 4r, ये हाफ रिंग का क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है जो हमने पहले पढ़ लिया है, तो हम डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या किया जाए, म्यू 0 i अपॉन 4r, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, इधर x एक्सिस तो अंदर माइनस x एक्सिस, माइनस x एक्सिस, ठीक है भाई। अब b3 की बारी, b3 तो मैंने बताया था, सिमिलरली ये इधर जा रहा था, ये बाहर आ रहा, दोनों की वैल्यू तो डायरेक्शन तो नेगेटिव z एक्सिस आनी है, इसलिए क्या किया जाए, b3 क्या होगा, म्यू 0 i अपॉन 4πr, 4πr और माइनस z एक्सिस, ठीक है, माइनस z एक्सिस। अब वेक्टर में क्या, वेक्टर क्या कहता है, b वेक्टर इक्वल टू b1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस v3 वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं, वेक्टर लिख दिया, b1 v2 v3 हमने हमने सामने, ठीक है, हमारे सामने v1 और v2 और v3, तो क्या किया जाए, पुट कर दे। अब देखो एक बात बताओ, तुम्हें पता है ये बना दिया, ठीक है, इसमें दे रखा हुआ ऐसे लिखते थे y z और x, x एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, i कैप रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन, y एक्सिस को j कैप और z एक्सिस को k कैप, थोड़ा वेक्टर दिमाग में घुसाइए, वेक्टर के बारे में सोचो, थोड़ा सा सोचो, ठीक है, ज्यादा नहीं, i j k याद है सबको, बिल्कुल याद होंगे भाई। चलो यहां पे लिख दो इसको, b1 की वैल्यू कितनी भाई, म्यू नॉट i, ये b की वैल्यू, तो b की वैल्यू हम लिख देते हैं, b इज इक्वल टू म्यू नॉट i, ठीक है, 4πr, और इसकी वैल्यू कितनी, माइनस z को मोड़ पे, ये अब माइनस z को माइनस k, तो चलो कोई बात नहीं, माइनस k यूनिट वेक्टर प्लस दूसरी बिटो की वैल्यू कितनी है, म्यू 0 i / 4πr, म्यू 0 i / 4r,
डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो नेगेटिव मतलब माइनस आई और प्लस इसकी वैल्यू कितनी म्यू जीरो आई अपॉन फोर पाई आर म्यू जीरो आई अपॉन फोर पाई आर और इसकी डायरेक्शन क्या है माइनस जेड एक्सिस तो माइनस एक है कोई दिक्कत नहीं हो गया। आप सुनिए आंसर देखो तो माइनस ए माइनस एक जगह लिख सकते हैं तो आई को एक जगह लिखो ये को एक जगह लिखो तो ये तो है ही नहीं म्यू जीरो आई अपॉन फोर आर और आई कैप और की माइनस कर लो और माइनस अब इसको देखो म्यू जीरो आई अपॉन फोर पाई आर म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आर बिल्कुल सेम टू सेम है तो इसको टू डबल हो जाएगा तो इसी तरह डायरेक्ट लिख सकता हूँ म्यू जीरो आई आई अपॉन टू पाई आर और ठीक है आ गया कि नहीं आ गया ये तो इसका हो गया वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं ये तो इसी का होगी वेक्टर फॉर्म। अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए हमें हमें तो क्या चाहिए मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड करने के लिए क्या करते थे रे अबे आई देखिए था मैग्नीट्यूड निकालने स्क्वायर करके रूट कर दो ऐड कर सीधा सीधा इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया v का मैग्नीट्यूड इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे पूरे का तो प्लस ही हो जाएगा तो म्यू 0 i 4 r का स्क्वायर प्लस म्यू 0 i 2 pi r का स्क्वायर और इसका कर दो रूट। अब जो कॉमन टर्म है r निकाल लीजिए कॉमन कौन-कौन है भाई म्यू जीरो आई कॉमन 4R 2R कॉमन है तो क्या किए थे मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू म्यू जीरो आई अपॉन 2R कॉमन ले लिया अंदर क्या बच गया भाई देखो ध्यान से अंदर इसकी वैल्यू बच गई 1 बाई 2 बच गया अब 1 बाई 2 का स्क्वायर कितना कर सकता हूँ 4 लिखूँ 1 बाई 4 अब इसी तरह देखिए 1 बाई 4 देखो 1 बाई 2 क्यों क्योंकि 2R उधर गया तो पूरा अंदर बच गया अब प्लस इसकी जगह कितना बच गया 1 अपॉन इसका स्क्वायर बच गया कितना पाई बच गया तो पाई स्क्वायर ठीक है और इसका क्या लिख सकते हैं इसके बताओ जल्दी से लिख सकते हैं इसकी डायरेक्शन ये तो मैग्नीट्यूड हो गया वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन ये होगी कि नहीं होगी इसके अंदर ठीक है ये वेक्टर फॉर्म होगी और जैसे मैग्नीट्यूड जल्दी से फटाफट से इसको उतारिए जल्दी कीजिए वेरी गुड हाँ भाई कर लिया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी में थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन देखिए एक और क्वेश्चन थ्रीडी का ही देखो ये ऐसे का ये है प्रश्न ठीक है जो ये वायर ऐसे कनेक्ट है अब की बार थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें क्वेश्चन को पिछली बार अलग थी एक्सिस अब की बार अलग हो जाएंगे ये क्या थी ये तो एक्स एक्सिस ही थी ये क्या थी वाई एक्सिस थी ये जेड एक्सिस थी सेम टू सेम क्वेश्चन है बस थोड़ा सा चेंज किया आई करंट गया आई करंट चला गया समझ में आया थोड़ा चेंज कर दिया इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से अब ये ध्यान रखना इसके अंदर अब भाई ये तो प्लेन मानो इसको तो ध्यान रखना इस बात को ऐसे ये क्या है ये इस तरीके से मान के चलो ऐसे अगर ये वायर ऐसे आया ऐसे घूम के नीचे चला गया समझ में आया मैंने क्या बोला ये वायर ऐसे आया ऐसे देखो ये ऐसे आ रहा है इसको भूल जाओ इसको तुम भूल जाओ एक मिनट के लिए इसको नीचे वाले भूल जाओ ये आया ऐसे घूम के नीचे चला गया समझ में आ गया अब देखिए क्या करें भाई सबसे पहले इसकी तो बी वन सिचुएशन तो बनी बनाई वन ये टू है ही और ये थ्री सिचुएशन तीनों सिचुएशन फिर से बन गई कि नहीं बन गई आ गया तुमने बना दी तीनों सिचुएशन फिर से डायरेक्शन देखो डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसका डायरेक्शन का है ठीक है पहले चलो पहले डायरेक्शन डिस्कस करते हैं एक बात बताइए ये वायर आया तो कैसे आया था इस ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला हमने बोला इस पॉइंट इस ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला हमने बोला तो क्या किया गया ऐसे ऐसे आ रहा है इस पॉइंट पे क्या है ऊपर वाई नहीं ऊपर जेड नीचे माइनस जेड इसका मतलब पहली सिचुएशन की डायरेक्शन तो माइनस जेड आई माइनस के एक्सिस आगे आगे ठीक है माइनस के यूनिट वेक्टर बोल सकते हैं सो ठीक है अब इसकी डायरेक्शन भाई इसकी डायरेक्शन ऐसी है प्लेन में है ये देखो ध्यान से ये एक्स एक्सिस थी ये एक्स एक्सिस थी पता लग रहा है ये एक्स एक्सिस थी और ये अपना प्लेन है डायरेक्शन देखो एक्स ये थी इसकी डायरेक्शन कहाँ
इन वॉट एक्स एक्सिस कहाँ थी इसका इसकी डायरेक्शन कहाँ टू की माइनस एक्स एक्सिस आगे। अब इसकी दिक्कत है सबसे बड़ी तो इसमें गलती करते हैं, ये तो निकल जाती है, इसमें गलती करते हैं क्या। अब ये ध्यान रखना, अब ये एक्स एक्सिस इधर है, अब मैं दिखाता हूँ तो मेरे को ध्यान से, ये एक्स एक्सिस इधर है इस तरफ ठीक है। अब काम करते हैं इसके डायरेक्शन निकाल लेते हैं, ये एक्स एक्सिस, अब देखो इस पॉइंट की देखो वायर करंट कहाँ नीचे राइट इसके अंदर इनवर्ट इनवर्ट, इसकी भी इनवर्ट और इसकी भी क्या है इनवर्ट, तो इनवर्ट के लिए दोनों के लिए क्या था बाहर माइनस सॉरी एक्स एक्सिस अंदर माइनस एक्स एक्सिस, समझ में आ रहा है बाहर एक्स एक्सिस अंदर माइनस एक्स एक्सिस ठीक है। तो चलो करते हैं, अब फिर से क्या करते हैं इसकी वैल्यू निकालते हैं b1 b2 b2 भाई b1 की वैल्यू कितनी म्यू जीरो आई अपॉन स्ट्रेट कंडक्टर के लिए 4 पाई आर वन एंड के ऊपर 4 पाई आर डायरेक्शन भाई ऊपर देखो डायरेक्शन नीचे इसके लिए नीचे इस पॉइंट पे देखो इस पे नीचे जैसे नीचे की वैल्यू क्या हुई ऊपर जेड तो नीचे कितनी आ गई माइनस जेड एक्सिस ठीक है। सिमिलरली बी टू की वैल्यू म्यू जीरो आई अपॉन हाफ रिंग है 4 आर डायरेक्शन डायरेक्शन कहाँ बाहर एक्स एक्सिस अंदर माइनस एक्स एक्सिस तो माइनस एक्स एक्सिस ठीक है भाई। बी थ्री क्या फिर से म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई आर तो होगा स्ट्रेट कंडक्टर के लिए इन वे कंडक्टर है स्ट्रेट कंडक्टर है 4 पाई आर और उसकी डायरेक्शन वाई देखो यहाँ से अंदर अंदर की डायरेक्शन तो क्या थी माइनस एक्स एक्सिस तो ये भी कितना हो गया माइनस एक्स एक्सिस ठीक है। अब ये तो क्या हो गया सिंपल है इसकी वेक्टर फॉर्म में b इक्वल टू फिर से अपना तो वही तरीका है b वेक्टर इक्वल टू b1 वेक्टर प्लस b2 वेक्टर प्लस b3 वेक्टर तो वैल्यू पुट कर दो b वेक्टर इक्वल टू b1 की वैल्यू कितनी आएगी मैं वेक्टर के साथ पुट कर दूं म्यू 0 i 4 पाई r माइनस की टेन कोई दिक्कत नहीं इसकी वैल्यू b2 के लिए प्लस म्यू 0 i 4 r माइनस आई कैप प्लस b3 की वैल्यू म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई आर और माइनस आई कैप हो गया समझ में आया आ रहा है समझ में कुछ नहीं करना देखो सिंपल सी बात है b इज इक्वल टू माइनस आई आई देखो इसकी वैल्यू आई कैप को एक जगह लिख देता हूँ मैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी म्यू जीरो माइनस तो बाहर लिख देता हूँ म्यू जीरो आई अपॉन 4 आर तो ले लो बाहर ले लिया। अब देखो इसकी वैल्यू क्या होगी इसमें कितना बच गया 1 इसमें कितना बच गया प्लस 1 अपॉन पाई बच गया और आई कैप लिख सकता हूं बिल्कुल लिख देंगे देखो इन दोनों को जोड़ देना आई कैप म्यू 0 आई अपॉन 4 आर म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई आर म्यू 0 आई अपॉन 4 आर कॉमन ले लिया इसमें कितना बच गया 1 इसमें कितना बच गया 1 अपॉन पाई माइनस अपन ने पहले बाहर ले लिया तो इसकी वैल्यू कितनी आई इसकी वैल्यू आ गई म्यू 0 आई अपॉन 4 आर 1 प्लस 1 अपॉन पाई ठीक है। चलो कोई बात नहीं नेक्स्ट ये वैल्यू किसको ऐसे भी लिखो म्यू जीरो आई फोर पाई आर के कैप बात करो ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म मैग्नीट्यूड कुछ नहीं करना बी लगा दो डंडे सामने इसके वैल्यू लिख दो म्यू जीरो आई अपॉन फोर पाई आर म्यू जीरो आई अपॉन फोर आर कॉमन ले लेता डायरेक्ट वैसे तो ये आएगा म्यू जीरो आई फोर आर वन प्लस वन अपॉन पाई का स्क्वेयर प्लस म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई आर का स्क्वायर का रूट ये वैल्यू आ गई नहीं आ गई। अब क्या करना है इसके अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉमन ले लो क्या कॉमन ले म्यू जीरो अपॉन 4 आर तो कॉमन ही आ गया डायरेक्ट म्यू जीरो आई 4 आर आ गया कॉमन अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या हो गया इसमें क्या हो गया 1 प्लस 1 अपॉन पाई का स्क्वायर प्लस 1 का 1 अपॉन ये यहाँ पे क्या बच गया पाई का होल स्क्वायर तो ये हमारा क्या आ गया मैग्नीट्यूड आ गया 2 मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 आर 1 प्लस 1 अपॉन पाई का स्क्वायर प्लस 1 बाय पाई का स्क्वायर ये वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई। तो हमने कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट हमने कंप्लीट कर लिया है। तो हम अब नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द रिंग पढ़ेंगे ठीक है ना। तो अब आप इसको अच्छे से इसे क्वेश्चन लगाइए और हमेशा खुश रहिए बाय।